भागवत के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान का एक वचन है। इस श्लोक को आप सुने, कहते हैं, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहि नाम, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहि नाम, अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाए उतने पर ही प्राणी का अधिकार, जितने से पेट भर जाए उतने पर ही प्राणी का अधिकार है, वही तुम्हारा है। उससे अधिक जो है तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास क्यों है? भगवान ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी, इसको बांटो। भगवान को पता है तुम्हारी आवश्यकता कितनी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक क्यों दिया भगवान ने? कि भगवान को विश्वास है कि तुम उसका सदुपयोग करोगे, बांटोगे। लेकिन उसको भी जो अपना मान ले, आवश्यकता से अधिक जो भगवान ने दिया वो बांटने के लिए दिया था, लेकिन उसको अपना मान लिया, तिजोरी में रख दिया, बंद कर दिया। अधिकम योभिमन्येत सस्तेनः, भागवत कहता है वह चोर है। सस्तेनः, और केवल चोर कहकर के बात खत्म नहीं हुई, फिर भगवान ने कहा दंडमर्हति, वो दंडनीय है। और साफ दंड होता है, ऊपर वाले का डंडा दिखता नहीं, लगती बहुत है, मार खूब पड़ती है और डंडा दिखता नहीं। फिर उस संग्रह के चलते, उन पैसों की आसक्ति के चलते, राग द्वेष मन में तनाव, और उसके चलते न जाने कितने रोग, परिवार में मन मुटाव, ये सब दंड है साहब। और शरीर में कितने रोग, एक समय में 500 लड्डू खा सके शुद्ध घी के, उतने पैसे हमारे पास है, लेकिन एक लड्डू भी नहीं खा सकते, क्यों? डायबिटीज। पैसा दिया है तो साथ में डायबिटीज भी मिले। रोटी बोले सूखी खा रहे हैं बिना चुपड़ी, क्यों? डॉक्टर ने मना किया, हाई कोलेस्ट्रॉल। साहब पैसा होना एक बात है और उसको भोग पाना ये दूसरी बात है। लोग पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते।